चीजें और इसमें छोटी छोटी जी किताब के इंपॉर्टेंट तीन चैप्टर्स में से एक, क्योंकि पहले दो चैप्टर्स का जो यूनिट है वो किताब के मुताबिक 25 से 35 नंबर का है, और उसमें भी चैप्टर टू में से सिर्फ एक यूनिट आई का ज्यादा पूछ रहा होता है, तो ऐसे में चैप्टर वन की अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस अच्छी खासी बन जाती है। तो चैप्टर वन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी सारी थ्योरीज है और इसमें छोटी छोटी डिस्कशन है, तो थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं। अगर इस चैप्टर को देखिए तो इसमें चार यूनिट बनाए हैं किताब ने। पहले यूनिट में उन्होंने बताया कि मैनेजर, सुपरवाइजर और लीडर में क्या फर्क होता है, बड़ा बेसिक सी डिस्कशन है। दूसरे और तीसरे यूनिट में फिर ये क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज को डिस्कस कर रहे हैं, और चौथे यूनिट में जनरल टेक्निक्स बता रहे हैं मैनेजमेंट की। तो हम पहले फर्स्ट और फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे और उसके बाद थ्योरीज में एंटर हो जाएंगे, ताकि हम उसके अंदर जो है अपना टाइम प्रॉपर तरीके से निकाल सकें। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो डिस्कशन है वो लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन की है। हम इन तीनों वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप लोगों ने लास्ट डे पढ़ाया लीडरशिप के बारे में, हमने देखा था लीडरशिप एक बड़े एडवांस फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट होती है। लीडरशिप बेसिकली एक ऐसा फीचर होता है जिसके बाद अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं, कन्विंस करते हैं, या अपनी अच्छी स्किल्स के थ्रू अपने बहुत सारे टास्क अकम्प्लिश करवा देते हैं। तो लीडर और मैनेजर का हमने अच्छा खासा डिफरेंस देखा था। किताब में चैप्टर नंबर वन जब यहाँ आता है तो थोड़ा सा एक आइडिया देता है, लेकिन चैप्टर एट पढ़ने के बाद हमें ये वाली चीज इतनी मुश्किल नहीं लगती। लीडर बेसिकली एक खास मैनेजर का फीचर है, जो कि बड़ा एक सुपरलेटिव फीचर है, जिसके बाद हम कहते हैं कि मैनेजमेंट बड़े अच्छे लेवल पे हो जाती है, क्योंकि लोग लीडर के लिए काम करना चाह रहे हैं। लीडर और मैनेजर के कारण हमने फर्क देखा। तीसरी चीज है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर बेसिकली एक छोटा मैनेजर है, यानी लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजर है। वर्कर्स में हाईएस्ट लेवल और मैनेजर्स में लोएस्ट लेवल को हम सुपरवाइजर कहते हैं। सुपरवाइजर उस तरह का मैनेजर है जो लोगों के दरमियान बैठ के काम कर रहा है। अगर एक फैक्ट्री और फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, तो शायद एक उनका मैनेजर है जो अपने कमरे में बैठ के उनसे काम करवा रहा है, और एक उनका सुपरवाइजर है जो साथ साथ आकर उनके काम को देख रहा है, उनको सजेस्ट कर रहा है, उनका काम इम्प्रूव करवा रहा है, और उनको साथ साथ गाइड कर रहा है। तो सुपरवाइजर वो शख्स है जो कि ऑन द फील्ड मौजूद होता है। सुपरवाइजर वो शख्स है जो ऑन द ग्राउंड जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं वहां उनके साथ मौजूद होता है, और उनको साथ साथ बता रहा होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सुपरवाइजर मैनेजमेंट का सबसे लोएस्ट लेवल है, या वर्कर का सबसे प्रीमियम लेवल है। वर्कर में से एक अच्छे वर्कर को सिलेक्ट करके नॉर्मली सुपरवाइजर बना दिया जाता है, और वो बाकी वर्कर्स को मॉनिटर करता है, खुद भी कुछ कुछ काम करता है और बाकी लोगों से काम भी करवाता है। तो मैनेजर की लोएस्ट फॉर्म जो है वो सुपरवाइजर कहलाते हैं। मैनेजर और लीडर का हमने फर्क देखा था। अगर हम वर्ड मैनेजमेंट की बात करें तो अगर हम सोचें तो बहुत सारे ऐसे फीचर मुराद हो सकते हैं। मैनेजमेंट से मुराद हो सकता है चीज़ों को प्लान करना, कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना, इवन लोगों को मोटिवेट करना, अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करना, टास्क टाइमली एग्जीक्यूट करना, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, हर चीज़ प्लान तरीके से करना, हर चीज़ ऑर्डरली फैशन में करना। तो ये जो चैप्टर है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ये हमें थ्रू मैनेजमेंट की मुख्य टेक्निक सिखाएगा। तो मतलब थ्योरिस्ट ने क्या क्या बताया कि कैसे कैसे हम अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट का वर्ड कहीं भी इस्तेमाल होता है। हम अपनी स्टडी की मैनेजमेंट करते हैं, अपनी लाइफ की मैनेजमेंट करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स की मैनेजमेंट करते हैं, हम अपनी रूटीन की मैनेजमेंट करते हैं, हम टाइम की मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हम मैनेज करते हैं। तो वर्ड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने कुछ चीज़ों को अरेंज करना है, कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, कुछ चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलना है, कुछ चीज़ों को बड़े अच्छे वे में हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें कहलाएंगी आपकी मैनेजमेंट। यहाँ पे बात समझ आ रही है, और काम कम करते हैं, ज्यादा देर तक ड्रामा डोल रहते हैं, ज़्यादा देर तक टाल मटोल करते रहते हैं, चीज़ों को फौरन से नहीं करते, डेलीगेशन इनफेक्टिव होती है, पेपर वर्क वगैरह में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम के अगेंस्ट बैरियर क्रिएट कर देती हैं और आप अच्छी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो ये चैप्टर हमें सिखाने की कोशिश करें कि अच्छी टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने पड़ेंगे, आपको टास्क को लेबल करना पड़ेगा, कौन सा टास्क अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। आप प्लान बनाएंगे, प्लान्स को मॉनिटर करेंगे, अगर वो प्लान सही तरीके से नहीं चल रहे तो उसके अगेंस्ट जो है रेमेडियल एक्शन लेंगे और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप डेली के गोल सेट करेंगे, मीडियम लेवल के गोल सेट करेंगे, लॉन्गर लेवल के गोल सेट करेंगे। मुझे साल में क्या करना है, मुझे अगले 10 साल में क्या करना है, मुझे कल के दिन
हमने क्या करना है, आप हर हर लेवल पे प्लानिंग करेंगे। अच्छी टाइम मैनेजमेंट तब होगी जब आप छोटी छोटी सी चीजों में मैनेज करना शुरू कर दें। डेलीगेट, डेलीगेट मतलब आप जो काम खुद कर सकते हैं वो आप अपने से किसी नीचे सबॉर्डिनेट पे डेलीगेट करें। कहीं तो आपके ऊपर ज्यादा लोड है तो आप अपने नीचे लोगों को डेवलप करें और उनको थोड़ा थोड़ा सा टास्क फॉरवर्ड कर दिया करें ताकि आपके ऊपर टाइम का प्रेशर ज्यादा ना आए। आप प्रॉपर तरीके से अपने लिए टाइम निकालें, आप अपने आप को अपॉइंटमेंट दें, अपने अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, चेकलिस्ट नहीं यूज करें, इंटरप्शंस को कंट्रोल करें। बड़ी प्यारी बातें लिखी हुई हैं सारी की सारी, अगर स्टूडेंट्स वाकई में मान लें। कहते हैं स्विच फोन्स टू कॉल डाइवर्ट, आप जो है वो इंटरप्शन, आप अगर एक काम कर रहे हैं जरूरी काम कर रहे हैं तो फिर आपने फोन नहीं लेना, फोन डाइवर्ट पे लगा हुआ हो या वो स्विच ऑफ पे हुआ हो या आपने उसको एयरप्लेन मोड ऑन किया हुआ हो, अनअवेलेबल किया हुआ हो, आपने डिफाइन कर लेना ये मेरे ओपन आ रहे हैं, मेरे क्लोज आ रहे हैं, ये मेरा काम करने का टाइम है, मेरा आराम करने का टाइम है, इस टाइम पे मैं दोस्तों से मिल सकता हूँ, उस टाइम पे मैं दोस्तों से नहीं मिल सकता। आपने ये सारी चीजें होकर फिर आपने रेगुलर विजिट्स करने हैं अपने कस्टमर्स को, सप्लायर्स को। या अगर मैं आपकी बात करूं तो बजाय इसके कि आप पढ़ने बैठे और अचानक से दोस्त आ गए और आपको सरप्राइज दे दिया, आपने सरप्राइजेस अवॉइड करने हैं। बजाय इसके कि आपके पढ़ने वाले टाइम में वो अपना फ्री टाइम इंसर्ट कर रहे हो, आप अपने फ्री टाइम में उनको जाकर तंग करना शुरू कर, ताकि अगर एक दो तीन दोस्तों का ये है कि हमें हफ्ते में एक दफा जरूर मिलना होता है, मिलकर कुछ फन टाइम करना होता है, तो बजाय इसके कि वो फन टाइम किसी भी दिन अचानक से आपके चैप्टर तैयार करने वाला दिन पे आ जाए, आप जिस वक्त मौका मिले आप खुद जाकर उनके साथ कोई फन टाइम करें जो आपके साथ वो करना चाह रहे थे, तो आप सरप्राइजेज अवॉइड करें, आप लोगों को अक्सर मिलते रहा करें ताकि एकदम से कोई आके आपको तंग करना ना शुरू कर दे, नहीं यार इतने दूर से आए हो, खासतौर पर मिलने आए हो, तुम क्या किताब हर वक्त उठा के पढ़ते रहते हो, बी एम को पढ़ने वाली चीज है ये, तो समझ नहीं होती है सारी चीज़। टाइम मैनेजमेंट की छोटी छोटी चीज, स्किल्स, कम्युनिकेशन, ये लिखते साथ ही किताब को शर्म आ गई उसने कि ये हमने बीसी के पेपर में आपको पढ़ाया था, हल्का सा पहले जिक्र शुरू ही किया था कि अचानक से उन्हें याद आया कि हमने बीसी के पेपर पढ़ा, यही चीज उनके साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, नेगोशिएशन में, लीडरशिप में भी हुई, उन्होंने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, नेगोशिएशन की टेक्निक है, लीडरशिप की टेक्निक्स है, खुद ही कहते हैं ये फलाना चैप्टर में पढ़ी थी, ये फलाना चैप्टर में पढ़ेंगे, ये फलाना चैप्टर में पढ़ेंगे, माशाल्लाह से हम ये चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट भी देख लिया, नेगोशिएशन भी देख लिया, लीडरशिप भी देख लिया। तो इनोवेशन में क्रिएटिविटी, अच्छी मैनेजमेंट वहाँ होती है जहाँ आप नई चीज़ें लेके आते हैं, आप क्रिएटिविटी देते हैं, आप कुछ यूनिक सॉल्यूशंस देते हैं, आप कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप नई मार्केट्स आइडेंटिफाई करते हैं, आप सही नए इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, आप इनोवेशन करते हैं और आप क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं। देन अगर हम आगे चलें, छोटी छोटी सी डिस्कशन, कोचिंग एंड मेंटोरिंग, ये दो वर्ड्स के दरमियान किताब ने डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की। हम नॉर्मली कहते हैं कि कोचिंग एक शॉर्ट टर्म चीज़ है, मेंटोरिंग एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। कोचिंग में आपका जो इमीडिएट बॉस होता है, आपसे जो ऊपर लाइन मैनेजर होता है, वो आपको कोच कर रहा होता है, वो आपको गाइड कर रहा होता है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। मेंटोरिंग में ऐसा नहीं होता, आप अपने लाइन मैनेजर के पास नहीं जाते, आप किसी और बंदे के पास जाते हैं जो शायद ऑफिस का आपका बॉस भी ना लगता हो, जो शायद फॉर्मल चेन ऑफ कमांड में आपके ऊपर ना भी आता हो, शायद वो आपकी फैमिली में कोई बड़ा हो, शायद वो आपका कोई पुराना टीचर हो, शायद वो कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास आप बैठते हैं, आप उससे गाइडलाइन लेते हैं जिंदगी गुजारने के तरीके, टाइम मैनेजमेंट, और वो आपको साथ साथ गाइड करता हो। तो कोचिंग और मेंटोरिंग के अंदर हम ये काम करते हैं कि कोचिंग एक शॉर्ट टर्म का प्रोसेस है, इसके अंदर जो है जो आपका कोच है वो कुछ टारगेट सेट करता है, आपको अप्रेज करता है, उसके मुताबिक आपको डेलीगेट करता है, आपको बताता है और आपको सिखाता है। जबकि मेंटोर एक ऐसा शख्स है जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप करते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपका बॉस हो, आप इसके साथ सीखते हैं, इसको जाकर अपने इश्यूज बताते हैं, इसे प्रॉब्लम्स तय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी क्लास में एग्जाम्पल दी थी कि अगर मैं इस वक्त BMBS की क्लास में मौजूद हूँ और कोई आके मुझे कहता है कि सर ये BMBS की वाली थ्योरी कैसे तैयार करनी है, तो मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं अगर उसे गाइड करूंगा तो वो कोचिंग होगी। अगर एक स्टूडेंट जो है वो मुझे आके कहता है कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरा पेपर है, मुझे समझ नहीं आ रही कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयारी कैसे करनी होती है, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में लाइन मैनेजर नहीं हूँ, मैं वो चीज़ नहीं बता रहा, अगर मैं उसको कहूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग की ये टोटके अगर तुम सही से फॉलो कर लोगे तो तुम इस कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर से ईजीली आज़ाद हो सकते हो, तो अब ये मैंने उसको मेंटोरिंग वाला काम दिया है, क्योंकि अब वो मेरे पास ज़्यादा ज़्यादा कोच नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा कि वो मेरे से सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि शायद वो समझता है कि जिस तरह से BM में टोटके काम कर गए थे, जिस तरह से लॉ तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने कहा फिर दो दिन पहले मुझे क्यों कॉल की, सर आपको याद है पिछली दफा जो मेरा पेपर था मैंने दो दिन पहले आपको कॉल की थी, आपसे प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, मैंने कहा सर वो पेपर पास हो गया था,
तो मैंने इसीलिए 2 दिन पहले कॉल किया आपकी, आपको कॉल कर तो पेपर पास हो जाते मेरे पास, बड़ा आपने गुड लक चांस देगा। तो कई दफा क्या होता है कि लोग इस तरह की एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं कि वो उनको एक अकीदत टाइप का कॉन्सेप्ट बन जाता है या वो कुछ सीखना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे में जरूरी नहीं वो शख्स आपका बॉस हो जिसकी बात मानने पर आप मजबूर हैं, आप जान के कोचिंग में वो आपको इन्फ्लुएंस करता है ये काम ऐसे करने का, मेंटोरिंग में आप जाते हैं किसी बंदे के पास और उससे गाइडेंस लेते हैं, उससे सीखते हैं। और अगेन कोई बात की जरूरी नहीं कि वो लाइफ में ही आपका सीनियर हो या इस तरह से कोई हो। तो कई दफा इवन सीए के स्टूडेंट्स अपने इंटरमीडिएट के टीचर्स के पास जाते हैं जिनसे बड़े इंस्पायर होते हैं, उनसे उनके पास टाइम गुजारते हैं और उनसे बहुत छोटी छोटी सी बातें सीख रहे होते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई के बारे में, लाइफ के बारे में, चीजों को प्लान करने के बारे में, आगे चलने के बारे में, किस तरह से करियर सेलेक्ट करना है, हर चीज में आपको मेंटोर से एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। कोचिंग और मेंटोरशिप समझ आ रही है, अच्छी मैनेजमेंट हुआ है जहाँ कोचिंग की फैसिलिटी भी हो मेंटोरशिप की भी हो। अच्छी मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने मैनेजर्स को कोच के रोल में रखें, और कुछ ऐसे मैनेजर्स या कुछ ऐसे एचआर के लोगों या कुछ ऐसे लोगों जो लोगों के ग्रीवेंसेज रिजॉल्व करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और उनको समझाते हैं और अच्छी अच्छी गाइडेंसेज देते हैं, तो अच्छी मैनेजमेंट हो जाएगी जहाँ पे आप कोचिंग के साथ साथ मेंटोरिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर बड़ी जनरल सी डिस्कशन होने की, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के कई तरीके हैं, आप लिसनिंग से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, इंटरव्यू से कर सकते हैं, क्वेश्चनर से कर सकते हैं। मैनेजमेंट की एक स्किल ये भी है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होता है। फर्स्ट करें अगर यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं तो मैनेजमेंट ये चाहेगी कि बच्चों से ये पता करें कि वो क्लासेस से मुतमईन हैं या नहीं है, क्या वो अपना साथ साथ कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या वो टीचर से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, क्या वो कॉलेज के सिस्टम से मुतमईन है या नहीं है, क्या टेस्टिंग उनकी सही तरीके से हो रही या नहीं हो रही। तो कई तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप लिसन करें, आप लोगों को पूछें, लोग जो जो आपको आके बता रहे हैं, लोग जो जो आपको कह रहे हैं, आप उसे फीडबैक लें, वर्बल फीडबैक लें और लोगों से पूछें कि चल गया है, और उसको एक्टिवली करें। दूसरा तरीका ये कि आप ऑब्जर्व करें, बच्चों को ऑब्जर्व करें, ड्यूरिंग स्टडीज ऑब्जर्व करें, उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करें, उनसे पूछें नहीं लेकिन ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीजें आप गेट कर सकते हैं। तीसरा आप इंटरव्यू कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक स्टूडेंट बाय स्टूडेंट आप उनको बिल्कुल ऑफिस में बुला के उनसे कह सकते हैं कि हाँ जी आप इधर पढ़ते हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बताओ हमारे सिस्टम में क्या मसला है, आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ हमारी इंप्रूव होने वाली है, किस जगह हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो आप बेसिकली इंटरव्यूज ले रहे होते हैं। क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा तरीका फीडबैक देने का, इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, कि आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, वो क्वेश्चन सर्कुलेट करते हैं ऑडियंस को और ऑडियंस उन क्वेश्चंस के ऊपर जवाब ले रहे होते हैं। जब उन क्वेश्चंस के ऊपर आप ऑडियंस से जवाब ले रहे होते हैं तो आपको बेसिकली एक फीडबैक मिल रहा होता है, आपको आइडिया होता है कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। तो ऐसे में किताब बताना शुरू हो जाती है कि अच्छे इंटरव्यू करने की स्किल क्या है, आपने एजेंडा प्लान करना है, टारगेट सेट करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, आने वाले से कौन से सवाल पूछने हैं, किस तरह के सवाल पूछने हैं, किस तरह के सवाल नहीं पूछने, ये तो बहुत ही डिटेल में चले जाते हैं। क्लासिकल थ्योरीज, हमने कहा चैप्टर में 4 यूनिट हैं। पहला यूनिट तो जस्ट एक बड़ी बेसिक सी डिस्कशन करता है मैनेजर सुपरवाइजर और लीडर, और आफ्टर हैविंग रेड चैप्टर नंबर 8 हमें इस चीज में मसला नहीं होता यूनिट 1 में। यूनिट 4 जनरल टिप्स एंड टेक्निक्स बताते हैं, और आई गेट कभी ना कभी बीच में से उनमें से एक आध टेक्निक पूछ लेते हैं और उसके ऊपर सवाल डेवलप कर देते हैं। तो जनरल टेक्निक्स लॉजिकली तो समझनी है लेकिन उसके थोड़े थोड़े से पॉइंट्स भी ध्यान में होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं 2 तरह की थ्योरीज की, क्लासिकल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। जब हम क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज की बात करते हैं तो किताब उसमें एक दो जगह उसके डिफरेंसेस बताने की कोशिश करती है। क्लासिकल एरा थोड़ा पुराना एरा था,
पुराने दौर के लोग जो है वो सिस्टम्स की बातें करते थे, वो काम की बातें करते थे, काम पे फोकस करने की बातें करते थे, स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की कोशिश करते थे, और वो चाहते थे हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह के डिपार्टमेंट में वही स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन चले। लेकिन जो मॉडर्न एरा वो थोड़ा डिफरेंट था, वो पीपल फोकस था। मॉडर्न एरा ने ये देखा कि लोगों के प्रेफरेंसेस देखने की जरूरत है, कंटिजेंसी टाइप की थ्योरी लाने की जरूरत है, कैसी सिचुएशन है, क्या माहौल है, किस तरह के एनवायरनमेंट में किस तरह की चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, ये मॉडर्न एरा के थ्योरिस्ट ने कहा। क्लासिकल एरा के थ्योरिस्ट जो है नॉर्मली एक स्टैंडर्ड पैटर्न बता देते थे और उसके मुताबिक कर रहे होते थे, थोड़ा सा मशीनी किस्म की, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी किस्म की, थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन टाइप की थ्योरी थी। इसमें मयो को छोड़ के बाकी सब ने तकरीबन मिलती जुलती बातें की हैं। मयो ने तकरीबन मॉडल एरा के ख्याल पेश किए हैं, ऐसी बातें जो कि मॉडर्न दौर के थ्योरिस्ट ने की, लेकिन ये आया उस जमाने में था, तो इसलिए इसको हम क्लासिकल थ्योरिस्ट लिस्ट में डालते हैं। क्लासिकल थ्योरीज में हमारे सिलेबस में कुछ 6 के करीब थ्योरीज हैं, टेलर की, फेवर की, ओरविक की, मैक्स वेबर की, रोजमेरी स्टीवर्ट की, अल्टरनेट की। इसमें दो थ्योरियाँ तो एक दूसरी की कॉपी पेस्ट हैं। तो टेक्निकली हमारे पास जो है वो 5 थ्योरीज हैं जो हमने देखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ड टेलर की। टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का बानी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक बड़ी मशहूर जमाना है, ये बहुत बेस है, ये क्लासिकल थ्योरीज की बेस है, और आज के दौर में भी बहुत सारे लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट को रेफर करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अबाउट क्या, आप किसी भी काम को अगर करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस काम को पूरा का पूरा शुरू कर देंगे तो अच्छे तरीके से होगा। पहले उस काम को समझें, उस काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करें, फिर अपने पास जितनी टीम है उस टीम को उसके अंदर एलोकेट करें कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम, उन लोगों को उसके मुताबिक रिवॉर्ड करें। मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज मिलजुल के काम करें, जहां ये सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही होंगी वहां पे हम सही से काम कर सकेंगे। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अबाउट काम में साइंस आनी चाहिए, हर काम को साइंटिफिक तरीके से करना है। किसी भी काम को अगर आपने शुरू करना है, फर्स्ट क्लास आपकी बीएम की किताब है, तो एक तरीका तो ये कि आप किसी भी दिन उठाए उसे पढ़ना शुरू करते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको डिवाइड कर लें, अच्छा इसमें 11 चैप्टर है, अच्छा इसमें 3 मुश्किल चैप्टर हैं, अच्छा 2 बड़े चैप्टर हैं, अच्छा 5 आसान चैप्टर हैं, जो ये आसान चैप्टर हैं इनको मैं इस तरह से करूंगा, जो मुश्किल चैप्टर हैं मैं उनको इस तरह से करूंगा, जो ये वाले चैप्टर हैं ये मैं लिख के करूंगा, ये वाले चैप्टर मैं जबानी करूंगा, ये वाले चैप्टर मैं इसके पास पेपर्स पहले करूंगा, इसके बाद में करूंगा। जब आप किसी भी काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग भी कंफर्टेबल हो जाती है और आपके लिए वो टारगेट ईजी हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा नहीं होता, कई बंदे होते हैं, तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उनको टास्क मिला उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दें। हर यूनिट के ऊपर उसका स्पेशलाइज बंदा लगाते हैं, उस बंदे से कहेंगे तुमने यही काम करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा जो है वो पैकिंग का चैंपियन है या उस बहुत बड़ी तेजी से पैकिंग करता है तो उसको काम ही पैकिंग का मिला जाए। एक बंदा अगर चीज़ों को बॉक्स में अच्छे तरीके से रखता है या एक बंदा चीज़ों को कंटेनर में अच्छे तरीके से रखता है तो आप एक कन्वेयर बेल्ट का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे, कि वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक बेल्ट में चल रही होती हैं, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही होती है मुख्तलिफ लोग उस बेल्ट के अलग अलग पोर्शन में मौजूद होते हैं और वो अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं, कि एक बंदे ने वहाँ पे कोई चीज़ रखी, दूसरे बंदे ने उसके ऊपर कवर किया, तीसरे बंदे ने उसको पैकेट में डाला, चौथे बंदे ने उसको उठा के क्रेट में रखा, और पांचवे बंदे ने क्रेट जब फिल हुआ तो उसको उठा के गाड़ी में रखा। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो एक बड़े काम को हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, उसके मुताबिक करना शुरू कर देते हैं। इसमें हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि इसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, और जो किताब ने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए है वो कोल शॉबरिंग का है। कोल शॉबरिंग में उसने ये आइडेंटिफाई किया कि जब मुख्तलिफ लोग जो है वो कोल को शॉवल करते हैं, जब उसको उखाड़ते हैं ज़मीन से या जब उसको खोदते हैं और वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनका जो बेलचा है या उनका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो कोल को शॉवल कर रहे हैं वो जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा जान माननी पड़ेगी। और जितना छोटा होगा उतनी कम जान लगेगी, लेकिन जितना छोटा होगा उतना कम कोल को शॉवल करेगा, जितना बड़ा होगा। तो उसने एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया कि किस साइज का शॉवल हो, किस तरह का बंदा उसके ऊपर काम करे तो कम से कम काम टाइम में मैक्सिमम काम कर सकता है। कई बार चीज में बड़ा साइंटिफिक
तक टेक्निक्स होती हैं, कई दफा हमें देखने में चीजें किसी और तरह लग रही होती हैं, लेकिन अगर प्लान तरीके से लेके चले तो चीजें बड़ी अच्छी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो बेसिकली इसका थीम ये था कि साइंस ऑफ वर्क होना चाहिए, उसमें वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए, फिर आपने इन साइंटिफिकली सिलेक्टेड लोगों को साइंटिफिकली सिलेक्टेड टास्क के ऊपर लगा देना है, जो कि छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हुआ हो, हर बंदा अपना स्पेशलाइज टास्क कर रहा हो और वर्कर्स और मैनेजर जो है उनके दरमियान इक्वल डिवीजन हो, यानी कि मैनेजर भी उनके साथ दे रहे हो और उनको साथ साथ सपोर्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो कि क्या चीज़ है और किस तरह से होनी चाहिए। ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की ओवरऑल एक छोटी सी डिस्कशन है। रेगुलर क्लास में हमने इसकी असल वाली एग्जांपल भी देखी थी जो टायर वाली कंपनी की थी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अबाउट के आपने चीज़ों को किस तरह से अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अगर आप चीज़ों को इस तरह से कर लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जब भी किसी भी किताब को, किसी भी सिलेबस के चैप्टर को, किसी भी कॉन्टेंट को, किसी भी सब्जेक्ट को जब साइंटिफिकली मैनेज करेगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जब उसने बता वो कर लिया कि इस किताब में इतने इतने चैप्टर हैं और ये चैप्टर बोलेंगे तो ये मैं उस टाइम पे कहूंगा जब मैं बिल्कुल फ्रेश होता हूँ, ये ऐसे चैप्टर हैं जो हल्के फुल्के से हैं, जैसे चैप्टर 9 है, चलो ठीक है, मतलब मैं अगर कभी बहुत ज्यादा पढ़ने के मूड में नहीं भी हुआ तो छोटा 9 उठा के पढ़ना शुरू कर दूंगा, उसमें कौन सी को काम की बात मिल जाएगी। लेकिन अगर चैप्टर नंबर 2 की हम बात करें, चैप्टर नंबर 11 की बात करें, तो उसके लिए माइंड काफी रिलैक्स होना चाहिए, ऐसा टाइम हो जब आप प्रॉपर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी में हो जाए, तो आपने उस तरह से प्लानिंग कर दी है तो चीजें बड़े अच्छे तरीके से चल पड़ती हैं। टेलर के बाद 2000 फेयोल और ऑर्वेल, इन्होंने अपने कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इतने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर ले तो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। अब उसमें एक बंदे ने 10 प्रिंसिपल्स दिए, एक बंदे ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स देने की कोशिश की और उसने कहा कि ये 14 प्रिंसिपल्स अगर फॉलो कर लिए जाए तो चीज़ें ज़रा थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। इसने बेसिकली 14 थिंग्स दी कि जिनके थ्रू आप अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो उसके प्रिंसिपल्स हैं। उसके अलावा इसने ओवरऑल जो कैटेगरीज बताई हैं, इसने कहा बेसिकली 5 तरह के काम होते हैं जो कि मैनेजमेंट के होते हैं, ये टास्क होते हैं। 5 तरह के टास्क हैं जिसके पीछे 14 तरह के प्रिंसिपल्स होने चाहिए। 5 मेन टास्क मैनेजमेंट के हैं, वो प्लान करता है, मैनेजमेंट वाली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेजमेंट वाले कमांड देते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, मैनेजमेंट वाले कोऑर्डिनेट करते हैं, मैनेजमेंट वाले साथ साथ परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, साथ साथ चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फेयोल, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल, ये 5 टास्क हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट वाले ये 5 तरह के काम किया करते हैं। ये 5 तरह के काम करने के लिए उनको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो 14 के करीब है। अब जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा होते हैं या कोई चीज ज्यादा होती है तो फिर हम उसके निमोनिक्स बना के उसको लेके चल रहे होते हैं। जैसे हमने इसको क्लास में देखा था कि अगर हम एक निमोनिक बनाएं दादू सी आई क्रॉस यू, तो इससे बेसिकली हमारा वो मामला क्लियर हो जाता है, इसकी 14 के 14 प्रिंसिपल्स इस चीज से कवर हो जाते हैं। यह इस निमोनिक से हमें याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि 5-6 बातें हो तो बंदा ज़हन नशीन कर लेता है, जब 13-14 बातें हो तो वो मिक्स हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं और याद नहीं रहती। तो ऐसे में जो इसका निमोनिक है वो हमने रेगुलर क्लास में देखा था, जो एक मशहूर निमोनिक है दादू सी आई क्रॉस यू, तो उससे पहले पहले हमें लेटर मिल जाएंगे और उसके बाद हम उसको सीख सकेंगे। एक एक करके अगर हम इन वर्ड्स की बात करें, डिवीजन ऑफ वर्क, अच्छी मैनेजमेंट वो होती है जहाँ कहाँ आपने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया हो, जस्ट लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छी मैनेजमेंट वहाँ होती है जहाँ अथॉरिटी मौजूद हो, जहाँ लोग जो काम करने वाले हैं या काम करवाने वाले हैं उनके पास ये पावर मौजूद हो कि वो काम करवा सकें। वर्ड अथॉरिटी को मैक्स वेबर ने बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया, उसने बताया कि अथॉरिटी बेसिकली है क्या और पावर कैसे कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क काम को डिवाइड करना है, अथॉरिटी है, जो लोग काम करवा रहे हैं उनके पास इख्तियार होने चाहिए कि वो काम करवा सकें। काम डिसिप्लिन से होना चाहिए, काम एक्सटेंडेड फैशन में होना चाहिए, काम फॉर्मल तरीके से होना चाहिए, काम एक अच्छे तरीके से डिसेंट वे में होना चाहिए, हैफेजर्ड नहीं होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, हुक्म देने वाला एक बंदा हो,
बजाय इसके कि एक बंदा हो और दो अलग अलग तरह के बॉस हो, एक बॉस कहता हूँ मेरा ये वाला काम इस तरह से कर दो, दूसरा बॉस कहता है ये काम इस तरह से कर दो, जैसा मैंने देखा था मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में, वो बड़ा गलत हो जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड इज एक बंदे के ऊपर जो बॉस है वो सिंगल हो, चाहे एक बॉस के नीचे 5-10 लोग हैं, लेकिन ये जितने भी लोग हैं इनका इमीडिएट बॉस एक बंदा होना चाहिए। एक से ज्यादा बंदे अगर सेम टाइम पे बॉस होंगे तो वो काम खराब करेंगे। कमांड में यूनिटी होनी चाहिए, एक सिंगल पर्सन कमांड दे रहा हूँ। स्किलर चेन, अच्छी मैनेजमेंट वो होती है जहाँ आपने ऑर्गेनाइजेशन में सबको बराबर नहीं रखा होता, आपने लोगों को हायरार्कीज में डिवाइड किया होता है, एक स्केलर चेन बनाई होती है। हम कहते हैं कि फलाना बंदे का ये स्केल है, फलाना बंदे का इस ऑर्गेनाइजेशन में ये स्केल है, स्केल लेवल को कहते हैं। तो स्केलर चेन एक ऐसी चेन जिसमें पीयर बाय पीयर लेवल्स चल रहे हैं, जिसमें सबसे नीचे वाले हैं फिर उनसे ऊपर मैनेजर है, फिर उनसे ऊपर मैनेजर है। तो अच्छी मैनेजमेंट वहाँ होती है जहाँ आपने सबको बराबर नहीं रखा हुआ, जहाँ कुछ सबॉर्डिनेट्स हैं, कुछ उनके मैनेजर हैं, कुछ उनके सीनियर मैनेजर हैं, कुछ उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक स्केलर चेन नजर आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होनी चाहिए, जो जितना काम करे उसको उतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो कम काम करे उसको कम रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो ज्यादा काम करे उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर एक शख्स ने 10 यूनिट्स प्रिपेयर किए तो 10 यूनिट्स की रेमुनरेशन मिलनी चाहिए, एक शख्स ने 4 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो उसको 4 यूनिट्स की रेमुनरेशन मिलनी चाहिए। इक्विटी होनी चाहिए, जितना उसने काम किया उसके मुताबिक रेमुनरेशन होनी चाहिए। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। मैनेजमेंट तब बेहतर होती है जब सारे लोग मिलजुल के करें, जब सारे लोग मिलजुल के एक टीम की तरह अपने आप को फील करते हो तो वहाँ पर हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस डी कॉप मौजूद होती है। अच्छी मैनेजमेंट वहाँ होती है जहाँ इनिशिएटर्स होते हैं, जहाँ लोगों को क्रिएटिव आइडिया सोचने का मौका दिया जाता है, जहाँ लोग खुद से सोच सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव को प्रमोट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। सेंट्रलाइजेशन, अच्छी मैनेजमेंट में आपको सेंटर को पावर देनी होगी, जो हेड ऑफिस है उसके पास इख्तियार ज़्यादा होने चाहिए और हेड ऑफिस चीज़ों को कंट्रोल करने की पोजिशन में आना चाहिए। देन अच्छी रेमुनरेशन होनी चाहिए। ये बेसिकली कायदे आज़म की 14 नुकात की तरह से बात चल रही है कि इसने अपने 14 नुकात दिए हैं, अगर बाकी वो सारे के सारे नुकात मान लिए जाएं तो उस वक्त भी पाकिस्तान थोड़ा सा और जल्दी आज़ाद हो जाता है, अगर वो बाकी बातें इतनी जल्दी फॉलो हो जाती हैं। तो क्या होता है कि कई दफ़ा आप कुछ आइडियल्स देते हैं, तो फेयोल ने ये 14 आइडियल प्रिंसिपल्स दिए हैं कि अगर ये प्रिंसिपल्स साइमल्टेनियसली सारे फॉलो हो गए तो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बड़ी तूफानी हो जाएगी। हालांकि इन प्रिंसिपल्स का आपस में क्लैश, लेकिन अब ये एक फैंटेसी है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी की सारी बातें पूरी हो जाए तो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रही होगी। रेमुनरेशन, वो कहता है रेमुनरेशन मुनासिब होनी चाहिए। इक्विटी में हमने कहा था कि जो कम काम करे ज्यादा कम पैसे मिले, ज्यादा काम करे ज्यादा पैसे मिले, लेकिन हमने कहा था जो जितने यूनिट बनाए उसको उतनी रेमुनरेशन मिलनी चाहिए। इस रेमुनरेशन का मतलब है वो रेमुनरेशन फेयर होनी चाहिए, एक यूनिट बनाने के पैसे कितने हैं ये फेयर होने चाहिए, और जो जितने यूनिट्स बनाए उसको उतने यूनिट्स के पैसे मिले। तो ये दो अलग बातें हैं। इक्विटी कहता है जो जितना काम करे उसके मुताबिक उसको रेट मिलना चाहिए, जो दो आवर काम करे उसको दो आवर्स के हिसाब से पर आवर पे पैसे मिलने चाहिए, जो 5 आवर्स काम करे उसको 5 आवर्स के पर आवर रेट के हिसाब से। रेमुनरेशन ये कहता है कि वो जो पर आवर रेट है वो मुनासिब होना चाहिए। ऑर्डर, ये करीब वाली ज्यादा करीब वाली ज्यादा, चल सब काम कर लेते हैं। इसी बारे आपको रेस्ट में बताता हूँ।
जी रिमुनरेशन और इक्विटी का फर्क समझ आया? चीजें ऑर्डर में होनी चाहिए, तरतीब में होनी चाहिए, बकायदा सीक्वेंस में होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, वहां पे अच्छी मैनेजमेंट नहीं हो पाती जहां चीजें ऑर्डरली वे में नहीं एग्जीक्यूट होती। तो जब भी जो लोग काम कर रहे हैं उनका वर्कप्लेस ऑर्डर में होना चाहिए, उनकी वर्कप्लेस ऑर्डर में होना चाहिए, उनका सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए, फैक्ट्री के फ्लोर पे चीजें ऑर्डर में होनी चाहिए, तरतीब में चीजें अरेंज में भी होनी चाहिए। ये ऑर्डर हुकुम देने वाला नहीं है, ये तरतीब वाला ऑर्डर है। सबऑर्डिनेशन ऑफ डिजिटल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अच्छी मैनेजमेंट वहां होती है जहां लोग अपने जाति मफादात को पीछे रख देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन मफादात को सामने लेके आते हैं, यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट के सबऑर्डिनेट कर दिया। फिर अच्छी मैनेजमेंट वहां जहां लोगों को स्टेबिलिटी नजर आती है, जिन इदारों में स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होती है लोग वहां देर तक रुकते हैं, वहां देर तक काम करते हैं। जब आपको पता होता है कि आप कभी भी किसी भी महीने फारिग कर दिए जाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म काम नहीं करते, आप अच्छे प्लान नहीं बनाते। लेकिन जब आपको पता होता है कि मैं अगले 20 साल तक यहीं पे हूं तो आप बड़े अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी प्लानिंग करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। डायरेक्शन अच्छी मैनेजमेंट वहाँ होगी जहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की एक सेम डायरेक्शन होगी, वो एक ही तरफ सोचते होंगे और कोई पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो भी काम करने लगा उन सबका फोकस, उन सबका तरीका, उन सबका काम करने का तरीका यूनि डायरेक्शन। ये 14 आइडिया प्लस पर उन्होंने बताए जो कि हमने समझे लेकिन मारना रटा ही इसको। लिंडर नॉर्वे इसने भी भाई साहब ने कसर नहीं छोड़ी, 10 पॉइंट इसने भी बता दिए और इन 10 पॉइंट का हमने क्लास में देखा था कि हम इसका निमोनिक बना सकते हैं बेड क्रॉस और सी के ऊपर क्यों है। तो इसको आप याद होगा हमने कहा था इसको हमने एपिग्लॉटिस से बात निकालनी है, बैड क्रॉस गले से 3 दफा जो है वो एक आसान तरीका भी था, फिल्मी तरीका, ठीक है, बैड का क्रॉस। तो इससे ये इसका एक दूसरा निमोनिक जो अवेलेबल है इंटरनेट पे कॉमनली होता है वो है सी बॉस। सी से कार्ड होते हैं लेकिन सी से बॉस नहीं होता, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो सी बॉस सी कार्ड ये एक और निमोनिक कनेक्ट चल रहा होता है। बेड क्रॉस हम लोगों ने क्लास में खुदी डेवलप किया था स्टूडेंट्स ने और हमने मिलजुल के ये क्लास में तजर्बा किया था। ये कहते क्या है इसमें, पहली बात ये कि अथॉरिटी का हमें पढ़ लिया है माशाल्लाह से, और कुछ पढ़ा हमने? हाँ जी, हमने स्पेशलाइजेशन पढ़ा है जिसको हमने वहां डिवीजन ऑफ लेबर कहा था, यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क कहा था, वो स्पेशलाइजेशन है। हमने कुछ और भी पढ़ा होगा, कुछ और नहीं पढ़ा। हाँ तो इतनी जरूर पढ़ा हमने, तो फंडस पढ़ाया लेकिन इसके लिए पहले मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाना पड़ा। बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब यूनिट्स बैलेंस में होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कुछ को ज़्यादा फोकस करते हो कुछ को कम फोकस करते हो। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपस में उनके क्लैशेज आएंगे और आपस में वो फिर एक दूसरे के साथ सही से नहीं चल सकते। हर चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, हर पोजीशन, हर रोल, हर टास्क, हर काम प्रॉपर वेल तरीके से डिफाइंड होना चाहिए कि ये काम इसने करना है, इस तरह से होगा, इस काम में ये चीज़ें, इस काम में इस तरह से चीज़ें चलेंगी। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट लोगों की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस की आपस में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ एफर्ट होनी चाहिए।
करेस्पॉन्डेंस का ताल्लुक है रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह से। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं अगर कोई शख्स जो जिसको आपने काम दिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप उससे बात में पूछेंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि तुमने काम सही से नहीं किया। अथॉरिटी कहते हैं किसी को कोई पावर दे देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं किसी से कोई चीज़ कन्फर्म करना है कि उसने वो काम किया या नहीं किया। तो हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जब आप लोगों को टास्क डेलीगेट करें तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगाएं। किसी को टास्क दे दिया और बाद में पूछा नहीं तो ये कोई अच्छी बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्लस जिसको टास्क दिया उसको फिर पावर भी दें कि वो नीचे वालों से काम करवा सके। आपने उसे टास्क दिया और बाद में उसको पावर नहीं दी वो काम करवाने की अथॉरिटी नहीं रखता था तो फिर आप उसको नहीं पूछ सकते। तो हम ये कहते हैं कि आप जिस भी बंदे को काम दें आप उसको ना सिर्फ अथॉरिटी दें बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। करस्पॉन्डेंस ये कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में करस्पॉन्ड करना चाहिए। जिसको अथॉरिटी दी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए। तो करस्पॉन्डेंस इन दोनों चीज़ों की बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले की बात करता है। कंटिन्यूटी ऑर्गेनाइजेशन में एक परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को बताओ कि लोगों के आने जाने से फर्क ना पड़ता हो, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम ऐसे हैं जो चलते रहे जो पीपल डिपेंडेंट ना हो, जो रूल्स डिपेंडेंट हो। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हो कि नए लोगों के आने जाने से हमें फर्क ना पड़ता और ऑर्गेनाइजेशन ऑन द गो चलती रहे, कंटिन्यू रहे। ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, डिफाइंड मकसद होना चाहिए और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस मकसद के गिर्द घूमती है और जितने भी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो उस मकसद की तर्जुमानी करते हो, अकासी करते हो। आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सारे के सारे लोगों को वो मेन ऑब्जेक्टिव पता हो ताकि सारी मैनेजमेंट एक खास डायरेक्शन में जा रही हो। तकरीबन डायरेक्शन वाली बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल हम कह रहे हैं कि किसी बंदे का स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। किसी एक बंदे के अंडर डायरेक्टली जितने लोगों को रिपोर्ट करना है वो बहुत ज्यादा ना हो, जैसे फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसने आइडिया नंबर बताया 5 से 6, वो कहते हैं पर बंदा जितने बंदों को कंट्रोल कर सकता है 5 से 6 होना चाहिए। इससे ज्यादा लोगों को कंट्रोल करेगा तो शायद वो बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। इन दो थ्योरीज में जिसमें अच्छा खासा रट है उसके बाद में हम आगे जाएं तो हम मैक्स वेबर की बात करते हैं। मैक्स वेबर ने सबसे पहले तो अथॉरिटी और पावर इन चीजों को एक्सप्लेन किया। उसने कहा अथॉरिटी इज गेटिंग थिंग्स डन बाय गिविंग ऑर्डर एंड हैविंग दोस ऑर्डर एक्सेप्टेड एंड जस्टिफाइड लेजिटिमेट। आप काम करवाएं और काम करवाने के लिए आपके पास ऑर्डर देने की ताकत हो और वो ऑर्डर लोग माने और वो ऑर्डर एक लीगल ऑर्डर हो और वो लोग बाउंड हो आपको ऑर्डर मानने के लिए, तो अथॉरिटी इज लोग आपकी बात वाकई ही मानते हो, इसलिए मानते हो कि आप इस पोजीशन में है कि आपकी बात मान ली जाए। और पावर किसे कहते हैं, किसी भी फोर्स या थ्रेट के थ्रू काम करवाने की सलाहियत को पावर कहते हैं। तो अथॉरिटी इज आपके पास पावर एक्सरसाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अभी अथॉरिटी कहाँ से आती है, इसने कहा 3 तरह की लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है। कई दफा अथॉरिटी ट्रेडिशनल होती है, आपको विरासत में मिली होती है, फैमिली की अथॉरिटी होती है, बादशाहों के बच्चे जो है उनके पास अथॉरिटी होती है, सियासतदानों के बच्चे चाहे वो सियासत में हैं या नहीं है, चाहे वो MNA है, MP है या नहीं है, उनके पास एक अथॉरिटी होती है, लोग उनकी बात मान रहे होते हैं क्योंकि उनके फादर के सियासी करियर की वजह से उनके पास एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। रैशनल या लीगल अथॉरिटी होती है, आपको अपनी पोजिशन की वजह से अपने की वजह से आपको एक लीगल अथॉरिटी मिली होती है, नेशनल अथॉरिटी मिली होती है, आप अगर एक जगह पे सीनियर मैनेजर अकाउंट्स है तो आपको अपनी पोजीशन की वजह से अथॉरिटी मिली, आपको अपनी फैमिली की वजह से नहीं, आपको ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं मिली, आपको अपनी पोजीशन वाली अथॉरिटी मिली है। कभी कभी कॉस्मेटिक अथॉरिटी होती है कि जब आपके पास पावर होती नहीं है ना, आप किसी पोजीशन बैठे होते हैं लेकिन लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। इसमें मैं नॉर्मली एग्जांपल देता हूं ताहिरुल कादरी की, कि ताहिरुल कादरी अगर MNA नहीं भी हो, ताहिरुल कादरी किसी गवर्नमेंट की पोजीशन में नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यूजर ग्रुप होता है जो उसको फॉलो कर रहा होता है और जो उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, दैट इज उसके पास अथॉरिटी आ जाती है। अथॉरिटी उसको अपनी फैमिली की वजह से नहीं मिली होती, अथॉरिटी उसको अपनी पोजीशन की वजह से नहीं मिली होती, अथॉरिटी उसको अपनी पर्सनैलिटी की वजह से मिली होती है कि लोग उसको रिलीजियसली भी फॉलो करते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसकी आवाज़ पे लबैक कहते हुए आगे से आगे चलते भी पड़ते हैं। तो अथॉरिटी के 3 तरह के लेवल्स इसने बताने की कोशिश की मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने कहा कि जब भी आपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाना है आपने ब्यूरोक्रेटिक तरीके से चलाना है। ब्यूरोक्रेसी सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं। इसने कहा अच्छी ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें 5 फीचर्स होते हैं। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है, जिसको हमने स्केल ऑफ चेन नहीं कहा था। इसने कहा एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है कि ऊपर से लेके नीचे तक लोगों के पास अथॉरिटी होती है और हर बंदा अपनी अपनी अथॉरिटी यूज कर रहा होता है। फिर ब्यूरोक्रेसी इम्पर्सनल वे में काम करनी चाहिए, सबके लिए रूल बराबर हो, ये ना हो कि चंद के लिए रूल्स कुछ और हैं बाकियों के लिए रूल्स कुछ और हैं। इम्पर्सनल इम्पार्शियल होने चाहिए, रिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, बकायदा लिखे हुए हों और आपने ओरल जबानी ना हो, कल्चर ना बना हो, बकायदा लिखत पढ़त में चीज आएगी हो।
इंडिविजुअल्स की प्रमोशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो इंडिविजुअल जितना काम कर रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर इस हायरार्किकल चेन में ऊपर जाना चाहिए, एक अच्छी डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए और स्पेशलाइजेशन वर्क होनी चाहिए। तो पांच तरह के प्रिंसिपल बताए मैक्स वेबर ने कि हायरार्की ऑफ अथॉरिटी जरूरी है, इंपर्सनल इंपार्शियल जरूरी है, रिटन रूल जरूरी है, प्रमोशन इंडिविजुअल जरूरी है और डिवीजन ऑफ लेबर के साथ साथ स्पेशलाइजेशन वर्क जरूरी है। अगर ये सारे काम होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक वे में चलेगी। ब्यूरोक्रेटिक वे इज रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सिस्टम जिसको फॉलो करते हुए आप चलोगे। बड़ी अच्छी थ्योरी थी और बड़ी ही नफासत से चोरी किया रोजमेरी स्टीवर्ट ने, इसने उन्हीं चीज़ों को हेडिंग के साथ पेश किया। इसने कहा कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए तो अच्छी ब्यूरोक्रेसी आती है, आर्की अथॉरिटी होनी चाहिए, सिस्टम ऑफ रूल्स होना चाहिए और इंपर्सनल होना चाहिए, बस वो प्रमोशन वाली बात को वाइप कर दी। उसने कहा ऐसे ना हो कि दुनिया कहेगी बाकी चोरी की है, तो एक पॉइंट को छोड़ के बाकी चारों के चारों कॉपी पेस्ट हमारे वहाँ से आपने मैक्स वेबर याद करना है। थ्योरी इसकी भी आ जाए, हेडिंग इसकी लिखें, डिस्क्रिप्शन उसकी लिखें, बात एक ही है। जब उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा थ्योरिस्ट ने तो हम क्यों फर्क रखें। हाँ, रोजमेरी स्टीवर्ट ने एक डिफरेंट बात जो की, उसने ये कहा कि इस वक्त जो है ना ब्यूरोक्रेसी क्यों ग्रो कर रही है, क्यों ब्यूरोक्रेसी की नीड ज्यादा जनरेट हो रही है, तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की साइज ग्रो कर रहे हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है तो इनोवेशन वगैरह खत्म हो जाती है, उनको एक स्टैंडर्ड सिस्टम रूल्स एंड रेगुलेशन में आना पड़ जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हर बंदे को बार बार समझाना मुश्किल है, क्यों ना एक ही दफा लिखे हुए रूल दूं जिसको हर बंदा फॉलो कर रहा हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच लोगों को बड़ी पसंद आती है और आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट पे जा रहे हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बैक पे भी तो रूल एंड रेगुलेशन ही है। इसी तरह से डिमांड फॉर इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, आज के दौर के लोग जो है वो चाहते हैं कि सबके लिए रूल्स बराबर हो, तो हमने ब्यूरोक्रेसी में यही बात की थी कि सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन एक जैसे और सारे मिलजुल के काम करें। ऐसे में इन क्लासिकल थ्योरीज में पता नहीं कहाँ से एल्टन मेयो साहब आ, नए दौर का आदमी पुराने दौर में, मतलब इसने एल्टन मेयो ने बेसिकली थ्योरी देने की कोशिश की ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट पे। इसने कहा कि अच्छी मैनेजमेंट काम को मैनेज करने से नहीं होती, स्ट्रक्चर को मैनेज करने से नहीं होती, सिस्टम मैनेज करने से नहीं होती, अच्छा लोगों को मैनेज करने से होती है। अगर आप लोगों के का केयर करें, लोगों के साथ ख्याल करें, लोगों से इज्जत से पेश आएँ, लोगों की बात सुने, लोगों की सोशल नीड्स को कवर करें, लोग इंसान सोशल एनिमल है, ये मिलजुल के काम करना चाहता है, तो आप इसको मिलजुल के काम करने का एनवायरनमेंट दें। मैनेजर इन्वॉल्व हों अपने वर्कर्स के साथ, उनको सिखाएं, उनको ट्रेन करें, उनके बारे में पूछें, उनको रिलैक्स टाइम दें, उनको फैमिली के लिए टाइम दें। आप एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन माहौल क्रिएट कर दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लोग खुद ही से आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। आपको काम को स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, आपको एनवायरनमेंट बेहतर करने की जरूरत नहीं है, आपको मशीनें लाने की जरूरत नहीं है, आपको रोबोट बनाने की जरूरत नहीं है, आपने लोगों पर काम करना है। अगर आप लोगों को जीत लेते हैं, लोगों को खरीद लेते हैं, लोगों के दिल में जगह कर लेते हैं, तो लोग तो हैं कि वो जान दे देंगे आपके लिए, वो आपके लिए खूब काम करेंगे। तो लोगों के लिए एक सोशल वैल्यू होती है काम में, वो काम में इसलिए आते हैं कि मिलजुल के लोगों के साथ एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क में जाएं, चीजों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें और अच्छे तरीके से आगे चलें। तो बेसिकली ह्यूमन रिलेशन मॉडल ने सिस्टमैटिक पैटर्न और इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए उसने कहा कि ह्यूमन रिलेशन इज द मेन एंड बिगेस्ट थिंग जो कि होनी चाहिए, अगर आप इस पर फोकस कर लेते हैं तो आपका सारा काम सीधा हो जाता है। अब आते हैं मॉडर्न थ्योरिस्ट की तरफ। मॉडर्न थ्योरिस्ट में पीटर ड्रकर ने फजूल सी बातें की हैं, कोई बात नहीं पढ़ लेते हैं। इतने कहा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पांच तरह के काम होते हैं, पांच एरियाज होते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, अभी वो रट्टे वाली टाइप की थ्योरी है। ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, काम ऑर्गेनाइज करना होता है, मोटिवेट और कम्युनिकेट करना होता है, परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है और लोगों को डेवलप करना होता है। और ये पांच तरह के काम वो तीन जगह पे कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट की तीन आस्पेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिधर वो इन पांच एरियाज को देखते हैं। मैनेजर ने बिजनेस को मैनेज करना होता है, मैनेजर ने वर्कर्स को मैनेज करना होता है, मैनेजर्स ने मैनेजर्स को मैनेज करना होता है, क्योंकि जो सबसे नीचे वाले वर्कर हैं उनके ऊपर होते हैं मैनेजर्स, और उनके ऊपर दो तीन लेयर्स ऑफ मैनेजर्स होती हैं। तो कुछ मैनेजर्स ने वर्कर्स को मैनेज नहीं करना होता, कुछ मैनेजर्स ने मैनेजर्स को मैनेज करना होता है। तो आपको तीनों तरह की स्किल्स आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, आपको बिजनेस को मैनेज करने की स्किल्स, टास्क को या वर्कर्स को मैनेज करने की स्किल और मैनेजर्स को मैनेज करने की स्किल आनी चाहिए। अगर ये तीन तरह की स्किल्स हैं और आप इन पांच तरह के एरियाज में काम करते हैं तो पीटर ड्रकर के मुताबिक आप एक अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं। रुदरबर्ट मॉस्केंटर, इसने नई नई वैरायटियां कराई हैं। इसने कहा जी ये क्रिएटिविटी और इस तरह की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन आजकल स्लो हो गई हैं, वो एलिफेंट बन गए हैं, वो बहुत बल्कि, जब ऑर्गेनाइजेशन बल्कि हो जाती है तो फिर उससे मूव नहीं किया जाता। इसने कहा हमें एलिफेंट्स को डांस कराना होगा। इसकी एक बुक जिसमें टीचिंग एलिफेंट्स टू डांस है, उसने उसने साबित किया कि अगर हम एलिफेंट्स को डांस कराना सिखा दें तो वो सबसे कमाल बात हो जाएगा। अगर एलिफेंट में चूहे जैसी फुर्ती आ जाए तो कमाल काम हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन शुरू में चूहे जैसी फुर्ती रखती है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता मैकेनिस्टिक होती चली जाती है, बोर होती चली जाती है, और एक ऐसा टाइम आता है कि क्रिएटिविटी खत्म हो गई होती है। तो कहते हैं कि हम बड़े साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कुछ फीचर्स ले रहे हैं, यानी कि हम इनोवेशन की अगर वहाँ पर बातें कर लें,
हम नई प्रोडक्ट नई सर्विस और मेथड डेवलप कर लें, अगर हम वहाँ बिजनेस रिस्क लें, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्निक्स वगैरह भी यूज करें, अगर हम वहाँ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करें, लोगों को इनकरेज करें कि मिलजुल के काम किया जाए, अगर हम ये तीन तरह के फीचर ऐड कर लें किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम इन बड़े हाथियों को भी डांस करा सकते हैं, इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जो बड़ी बोर हो गई हैं और बड़े अजीब तरीके से चल रही हैं, उसके अंदर हम ये तीन फीचर देके उनकी रीबर्थ कर सकते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से असर नौ तश्कील दी जा सकती है। अगर बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट भी है। ये इतना कहने के बाद साइड पे चली गई। हैं जी मिर्जा भाई साहब आए, इन्होंने कहा एमी लोगों के 10 रोल 9 रोल और इतने रोल मशहूर है, मैं बताता हूँ अच्छे मैनेजर में 10 तरह के रोल। उसने तीन कैटेगरीज बताई, इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजन मेकिंग रोल। हम लोगों ने इससे मिलती जुलती एक थ्योरी पढ़ी थी, चैप्टर 9 में हमने देखा था कि बेलबन ने कुछ रोल्स बताए थे, तो उसमें देखते हैं जो डिफरेंट वर्ड है उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। फिगर हेड, एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो फिगर हेड होता है, जो जो नजर आता है, जो दूसरे लोग कहते हैं हाँ यार वो वाला बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवरऑल फिगर हेड होते हैं, जैसे पूरी पूरी सियासी पार्टी को हम किसी एक बंदे के नाम से पहचान लेते हैं कि अच्छा वो उस बंदे वाली पार्टी है, अच्छा वो उस बंदे वाली पार्टी। तो आप अच्छा मैनेजर वो है जो एक अच्छा फिगर हेड है, जो एक अच्छा सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो। अच्छा मैनेजर वो है जो अच्छी लाइसनिंग करता हो। अच्छा मैनेजर वो है जिसके अंदर अच्छी लीडरशिप खसूसियात हो। अच्छा मैनेजर वो है जो इंफॉर्मेशनल रोल्स प्रॉपर तरीके से प्ले करता है, यानी कि चीज़ों को मॉनिटर सही से करता है, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट सही से करता है। स्पोक्समैन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो भी इश्यूज हैं, जो भी बातें हैं बाहर की दुनिया अगर इसे पूछे तो उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट करता हो, तो अच्छा मैनेजर अच्छा स्पोक्समैन होता है। फिर अच्छे मैनेजर में अच्छी डिसीजन मेकिंग के रूप वो होते हैं, रोल्स होते हैं, वो अच्छा इनिशिएटर होता है, इंप्रूवर होता है, चेंजर होता है, वो नए आइडियाज देता है और आइडियाज पर काम करता है, वो चेंज मैनेजमेंट लेके आने की कोशिश करता है, वो अच्छा डिस्टर्बेंस हैंडलर होता है। इस तरह की बात हमने एक और थ्योरी में पढ़ी थी कि जिसमें आपने डिस्ट्रेस को रेगुलेट करना होता है, वो अच्छा डिस्टर्बेंस हैंडलर होता है, वो रिसोर्सेज को सही से एलोकेट करता है, वो अच्छा नेगोशिएटर होता है। बाकी चैप्टर पढ़ने के बाद जब हम इस थ्योरी पे आते हैं तो थ्योरी की मेजर बातें हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, तो ये बताने की कोशिश की है मिडबर्ग ने। मिडबर्ग ने कुछ और बातें बताई और चैप्टर 1 ने बेधड़क को भी दोबारा से पेस्ट कर दी। चैप्टर 1 और 3 दोनों में मिडबर्ग की थ्योरी जो सेम है, वो जो 5 तरह के ब्लॉक्स हैं और 6 तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो वो पैटर्न और स्ट्रक्चर है, वो थ्योरी यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, तो यहाँ हम डिलीट कर देंगे जो कि हमने वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ी है। फिर विलियम ओची साहब है, इन्होंने कहा कि अच्छी मैनेजमेंट सीखने के लिए हमें सीखना होगा कि जो लोग अच्छे सक्सेसफुल हैं वो करते क्या हैं। इसने दो तरह की कंपनियों को सक्सेसफुल कंसीडर किया, जापानीज कंपनीज को और अमेरिकन कंपनीज को, और उसने देखा कुछ जगह अमेरिकन कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कुछ जगह जापानीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसने दोनों के फीचर्स को स्टडी किया और दोनों के फीचर्स को स्टडी करके एक कंबाइंड मॉडल निकाला, जिस कंबाइंड मॉडल को इसने कहा थ्योरी जी। इसने कहा कि अमेरिकन कंपनी शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, जापानीज कंपनी लॉन्ग टेम्पर्ड होती है। जापानीज कंपनी में क्या होता था, जापानीज कंपनी लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देती थी लोगों को, जब लोग आ गए हैं जब तक वो नहीं मर जाते या खुद ही नहीं छोड़ के चले जाते और उनको निकालती नहीं थी। एक बंदे को बहुत अर्ली स्टेज में वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आते थे और फिर वो उसको सिखाते रहते थे, डेवलप करते थे नए नए आइडियाज, नए नए तरीके। तो 4 साल प्रोडक्शन में भेज दिया, 3 साल मार्केटिंग में भेज दिया, 2 साल अकाउंट्स का काम सिखा दिया। एक बंदा जो बहुत यंग एज में उनके पास आ गया, और जापान में वैसे भी एवरेज एज अच्छी खासी ज्यादा होती है, तो वो डेकेड्स उस बंदे के ऊपर एफर्ट करते थे, उसको डेवलप करते थे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम आ जाए बंदा बड़े आराम से कर लेता था। इस बंदे की बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा नहीं होती थी, ये बंदा लॉयल भी बहुत ज्यादा होता था और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी नहीं जाता था, क्योंकि उसे ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कहीं जाता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं होता था कहीं। और आपको पैसे भी कम, जब एक बंदे को बिगनर स्टेज पर आपने इंट्रोड्यूस किया और बड़े अरसे बाद प्रमोशन दी, तो आपको पैसे भी ज्यादा नहीं देने पड़ते। तो ऐसे में जैपनीज क्या करते थे कि लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देके बहुत सारे लोगों को शुरू में उठा के ट्रेन करते करते इस लेवल पर डेवलप कर लेते थे, क्योंकि जो मर्जी से मुश्किल प्रोजेक्ट मिले, जो मर्जी बड़े से बड़ा काम मिले, वो फौरन उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अमेरिकन बिल्कुल ऑपोजिट चलते थे, अमेरिकन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, कोई भी बड़े से बड़ा टास्क बड़े कम आवर्स में डिफाइन करते थे, ऑन द स्पॉट उस प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग करते थे, उस प्रोजेक्ट के लिए 7 महीने 8 महीने के लिए दुनिया भर में से बड़े अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट हायर करते हैं, उनको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रेट पे करते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी थोड़ी पे करना है उन्हें, उन्होंने बस प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट अच्छा चार्ज किया, प्रोजेक्ट के पैसे लिए और अपना काम बन गया। जैपनीज की तरह लोग पालते नहीं है, क्योंकि लोग जब आपके पास मौजूद हो आपको उनके पार्टनर्स बनाने पड़ते हैं, उनको रेगुलेट करना पड़ता है, उनके एचआर के रूल्स, उनके एम्प्लॉयमेंट के ये
ये वाला लॉ, वो वाला लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी, इतनी सारी चीजें जो फॉलो कर रही हूँ। से बेहतर है कि लोगों को बस तब बुलाओ जब उनकी जरूरत हो। तो मैंने बहुत बड़ी मजे की है कि जब जब प्रोजेक्ट आता है उस प्रोजेक्ट पे लोगों को हायर करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और जो सीखे हुए लोग आते हैं वो आगे चीजों को डेवलप कर देते हैं, तेजी से प्रमोशन होती है, 7-8 महीने, साल, 1.5 साल बाद प्रोजेक्ट खत्म और सारे लोगों से खुदा होता है। फिर अगर 3 साल बाद दोबारा प्रोजेक्ट आए तो देखी जाएगी उस टाइम पे हम लोगों को हायर कर लेंगे। तो ऑन द स्पॉट मार्केट से टैलेंट हंटिंग करते थे टैलेंट की और अच्छे तरीके से उनको ऑक्सीजन में लेके आते थे। तो जापान वाले स्लो और अमेरिकन बहुत फास्ट, तो इतने दोनों थ्योरीज को जोड़ के और थ्योरीज ही बनाई उन्होंने का वो बहुत शॉर्ट टर्म है, वो लाइफ टाइम है। तो चलो हम लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, लाइफ टाइम की नहीं करते। वो अगर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं वो कलेक्टिव की करते हैं, तो हम चलो ऐसा कर लेते हैं। क्या किया, दोनों तरह की कंपनियों के फीचर्स को कंपेयर किया और जिसका फीचर अच्छा लगा वो फीचर उठाया, और जहां दोनों के फीचर अच्छे लग रहे थे तो दोनों के दरमियान की एक अप्रोच उठा के अपनी एक थ्योरी दी थी। अब अगर पेपर में वो पूरी थ्योरी पूछते हैं तो हमारे लिए टेबल इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वो कहते हैं थ्योरी जी वो क्या था, पहले बताएंगे कि दो कंपनियों को कंपेयर करने के बाद थ्योरी जी के बेसिक प्रिंसिपल जो दिए विलियम ऑची ने वो ये थे। और ये विलियम आउची से बोले या विलियम ओखी बोले या आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी बोले, मैं तो इसको ओखी बोलता हूँ, अच्छा लगता है। मैक्ग्रेगर थ्योरी एक्स ऑफ थ्योरी वाई, जाहिर तकलीफ दे रहा तो होकर आउच आउची। मैक्ग्रेगर थ्योरी एक्स ऑफ थ्योरी वाई, मैक्ग्रेगर ने कमाल ही बात कर दी, उसने कहा जी साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बेकार, ब्यूरोक्रेसी भी बेकार, ह्यूमन रिलेशन भी बेकार, सब फजूल बात कर रहे हो, मेरी बात सुनो, मैंने कमाल बात की। उसने कहा कि जी सारे लोगों को मशीनी तरीके की जरूरत नहीं है, सारे लोगों पे डिक्टेटरशिप बेकार है, सारे लोगों पे डेमोक्रेटिक स्टाइल बेकार है, लीडरशिप वाले सारे लोगों को भी बेकार कह दिया। इसने कहा जी गेम ये है कि आप दो लोगों को देखें, लोग दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, कुछ होते हैं थ्योरी एक्स, कुछ होते हैं थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स के लोग वो होते हैं जो कि काम पसंद नहीं करते हैं, निखट्टू काम चोर होते हैं, बिल्कुल दिल नहीं करता उनका काम करने का, और कुछ चपेड़े करा करा के काम कराना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको जब तक वालदेन कहेंगे नहीं वो पढ़ेंगे नहीं। कुछ थ्योरी वाई वाले होते हैं वो डेली होमवर्क करके आ रहे होते हैं, क्लास में आगे से आगे पढ़ना चाह रहे होते हैं, सीखना चाह रहे होते हैं, टीचर से बढ़ बढ़ के सवाल पूछते हैं, सर ये कैसे होगा, ये किस तरह से होगा। तो ऐसे में अगर थ्योरी एक्स वाला बंदा हो और टीचर चाहे कि इस बच्चे को तो मैं बस कमाल लॉजिकें दे दूँ तो बेकार, फायदे कोई नहीं, आपने उसको लॉजिक वगैरह कोई नहीं देनी, आपने उसको एक सवाल कराना और कहना 10 सवाल घर से ना करके आए तो काम नहीं छूंगा। थ्योरी एक्स वालों के साथ आपको डिक्टेटर स्टाइल रखना पड़ेगा, जो काम नहीं करना चाह रहे, जो निखट्टू काम चोर है, जो कि काम पसंद ही नहीं करते। ज्यादातर लोग थ्योरी एक्स वाले होते हैं, थ्योरी वाई वाले अच्छे लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं। अब आप इनको भी कान खींचने की बात करेंगे, इनको भी धमकाएंगे तो नहीं आएगा, ये अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, इनको आपने मोटिवेट करना है, इनका पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट लेके आना है, डेमोक्रेटिक स्टाइल लेके आना है, इनको आप
आपने मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, इनको ज्यादा टास्क देने हैं। अगर उसने दो सवाल कर लिया, सर मैं दो सवाल की बड़ा मजा आया, आपने कहा हाँ हाँ बेटा ये 10 सवाल और देखो, तुम बड़ा बड़ा इस चीज को एंजॉय करोगे, ये बड़े अच्छे तरीके से सीखोगे, बड़ा मजा आ रहा है, तुम तो चीजों को समझते जा रहे हो, तो वही 10 सवाल जो आपने उसको गन पॉइंट पे दिए थे और वो रो धो के कर रहा था, ये बंदा खुशी खुशी कर रहा है। तो जो खुशी से काम करता है आप उसे मोटिवेट करें, उसको एनकरेज करें, उसको एम्पावर करें, उसको आगे से आगे लेके जाएं। जो बददिली से काम करता है, नहीं काम करना चाहता, उसकी जान ले लें, उसको तो बेड़ा गर्क कर दें, उस पर डिक्टेटरशिप अप्लाई कर दें। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दो तरह के वर्कर आइडेंटिफाई करें और फिर आप उनके ऊपर उस तरह से काम करें। ये ऑब्वियसली इतना आसान काम नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन में डिफाइन करेंगे थ्री एक्स वाले कौन लोग हैं और थ्री वाई वाले कौन लोग हैं और उनके ऊपर मुझे क्या क्या कब किस किस तरह से काम करना होगा। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो यहाँ ऑथोरिटेरियन स्टाइल और यहाँ पार्टिसिपेटिव स्टाइल, ये दो तरह के स्टाइल चलेंगे। इसको कंटिजेंसी थ्योरी में होना चाहिए था लीडरशिप के अंदर, वहाँ इस तरह की बातें थी कि जिस तरह के लोग आप उस तरह के स्टाइल पे आ जाए। लेकिन चले दो बातें कि आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। खत्म कर दी, अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च की। ऑपरेशनल रिसर्च में रेगुलर क्लास में भी आपको बताता आया हूँ कि ये पूरी पूरी स्टडी होती है, पूरा पूरा सब्जेक्ट होता है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाने वाला एक पूरा सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट के अंदर इतनी गहराई होती है, इसकी अपनी किताबों की किताबें भरी हुई होती है। मगर हमारी किताब ने 150 सफ़े के अंदर कमाल नफासत से 7 थ्योरियां मर्च की हैं ऑपरेशनल रिसर्च की। उन्होंने कहा ऑपरेशनल रिसर्च, बेसिकली ऑपरेशनल रिसर्च आज के दौर के मसले हैं, आज के दौर में रिसोर्सेज कम है, आज के दौर में काम अच्छा खासा करना होता है, आज के दौर में आपको बहुत सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होता है, तो आज के दौर में आपको मुख्तलिफ तरह की टेक्निक स्टेप्स तरीके जरूरत पड़ती है जो ऑन द ग्राउंड हो रहा होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक लिखी हुई थ्योरी है, मयूर ने कुछ बातें की हैं वो हवाई बातें हैं, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैनेजर को ऑन द स्पॉट फौरी फौरी डिसीजन लेने पड़ रहे होते हैं, उसको काम करना पड़ रहा होता है, उसने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है, अरेंज करना होता है। तो उसके लिए हम ऑपरेशनल रिसर्च करते हैं कि आप अपने अपने ऑपरेशन में अगर रिसर्च करें और टेक्निक्स यूज करें तो आप अपने ऑपरेशन अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ऐसे में अगर हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करें तो एक जनरल टेक्निक्स और कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं। अगर जनरल टेक्निक्स में बात करें तो गेम थ्योरी, क्वीन थ्योरी, सिमुलेशन और नेटवर्क एनालिसिस है। ये थ्योरियम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह की गेम्स चल रही होती हैं, विन लूज स्ट्रेटजी चल रही होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर कई डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं तो कई दफा आप एक डिपार्टमेंट को फोकस करते हैं तो दूसरा फोकस नहीं रह पाता। कई दफा अगर आप एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से परचेज कर रहा है, अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से चीजें ले रहा है तो किसी एक को प्रॉफिट हो सकता है, दूसरे को प्रॉफिट नहीं हो सकता। एक डिपार्टमेंट 100 रुपए की चीज आम मार्केट को बेचता है और 70 रुपए उसकी कॉस्ट है, यानी 130 रुपए प्रॉफिट होता है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से चीज खरीद रहा हो तो क्या उसको 100 रुपए की बेचे या वो 70 रुपए की बेचे, इसके ऊपर आपको गेम्स खेलनी पड़ेंगी। कभी एक डिपार्टमेंट का फायदा करके दूसरे का नुकसान करना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम यानी एक का बेनिफिट, एक का लॉस, ऑर्गेनाइजेशन जीरो पे है, एक को 30 लॉस हो गया, एक को 30 प्रॉफिट हो गया, आप जीरो पे हैं। एक मेनी सम हो रहा होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा होता है, या टोटल सम होता है जिसमें आप ऐसी विन विन सिचुएशन निकालते हैं कि दोनों के दोनों डिपार्टमेंट को फायदा होता है। आपको ऐसी स्ट्रेटेजी देते हैं कि थोड़ा सा उस डिपार्टमेंट को फायदा, थोड़ा सा उस डिपार्टमेंट को, बजाय इसके कि एक डिपार्टमेंट को लॉस देते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट देते हैं और आपके यहाँ हम लोगों ने बड़ी कमाल गेम खेली, वो जीरो सम गेम है। लेकिन आपको कई दफा टोटल सम बेहतर करने की कोशिश करनी होती है तो आप कुछ ऐसी गेम्स प्ले करते हैं जिसमें दोनों की विन विन सिचुएशन। क्यूइंग थ्योरी, आप चीज़ों को लाइन में अरेंज कर देते हैं, आप चीज़ों को तरतीब दे देते हैं। अगर एक बैंक में बिल जमा कराने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो वो तो आपस में लड़ते रह जाएंगे, आप उनके लिए टोकन सिस्टम निकालेंगे, आप कतारें बनाएंगे, आप ट्रैफिक सिग्नल लगाएंगे, आप ट्रेनों की टाइम मैनेजमेंट करेंगे, आप हवाई जहाज़ों की टाइम मैनेजमेंट करेंगे। क्यूइंग थ्योरी कि जितने भी काम आपने करने हैं आपने उनको तरतीब में ले आने, एक लाइन में ले आने और फिर ऑर्डर बाय ऑर्डर कामों को करते चले जाना है ताकि वो आपस में टकराए ना, ताकि उनकी आपस में क्लैशेज ना। सिमुलेशन में आप क्या करते हैं, आप एक एक्चुअल जैसी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और वहां पे अपनी छोटी सी मैनेजमेंट करके देखते हैं। रेगुलर क्लास में एग्जांपल दी थी कि आप फ्लाइट सिमुलेटर यूज कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप एक बड़े कीमती जहाज में एक पायलट को भेज दें और वो हवा में जाके क्रैश हो जाए, आप एक 1.5 महीने तक उसकी सिमुलेशन एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कराते हैं, उसको एक हैंगिंग रूम के अंदर प्रैक्टिस करवाते हैं जिसमें स्क्रीन लगी हुई होती है, जिसमें उसको आर्टिफिशियली वही इन्वायरमेंट मिल रहा होता है जो उसको हवाई जहाज के अंदर मिलना है। आप 1.5 महीने उसको उसमें प्रैक्टिस कराते हैं, जब वो उस वीडियो गेम की प्रैक्टिस करके यूज टू हो गया होता है तो फिर उसको एक्चुअल एनवायरमेंट में लेकर आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी नया काम करने से पहले उसकी सिमुलेशन छोटे लेवल पर तजर्बा करते हैं, एक्चुअल से मिलती जुलती सिचुएशन क्रिएट करते हैं और वहां पर उन चीजों को लेके चलते हैं। फिर नेटवर्क एनालिसिस, यहां तो मैं तकरीबन रोने वाला हो जाता हूं। किताब ने शदीद जुल्म कर दिया है, ये एक पूरी एक
दूसरा एक प्रैक्टिस है, इसके अंदर आप एक पूरे प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ जोन में डिवाइड करते हैं, आप उसकी एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, आप देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के किसी भी यूनिट को करने का मिनिमम टाइम कितना है, मैक्सिमम टाइम कितना है, कौन सा काम होने के बाद कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा काम बाद में होना चाहिए, आप इसकी पूरी डायग्राम से बनाते हैं, उस डायग्राम को नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं। डायग्राम बनाने के बाद आप देखते हैं इस प्रोजेक्ट पे कम से कम कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम। ये कितने अर्से में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसमें कौन कौन सी यूनिट को कम किया जा सकता है, कौन सी यूनिट्स को ज्यादा किया जा सकता है, नेटवर्क एनालिसिस है, मतलब कि मैथमेटिकल टेक्निक से आप चीजों को मैथमेटिकल लॉजिक से कर सकते हैं, आप चीजों को मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन से कर सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग से कर सकते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक यानी कि आप कुछ यूनिट्स यूज कर लें, कुछ वेरिएबल यूज कर लें, ए अगर ये है, बी ये है, और अगर आपस में हम इक्वेशन बनाए तो लॉजिक बनती है। अगर एक बंदा वहां से इतने बच के इतने मिनट पे चला और एक बंदा ने जगह से इतने बजे चलना है, तो ये दोनों इस जगह पे आपस मिलेंगे, जो इक्वेशन और इसका के सवाल किया करता था, जैसे कि मैथमेटिकल लॉजिक है, वेरियस कंपोनेंट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप पाया जाता है, आप उस रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करके एक सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन में आप मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करके किसी भी चीज में ऑप्टिम साइड पे जाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा आप लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, जिसमें हम देखते थे वेरिएबल है, या इतनी कुर्सियां बन सकती हैं, या इतनी मेजें बन सकती हैं, कुर्सियां इतने आज में बनती हैं, मेजें इतने आज में बनती हैं, आज इतने अवेलेबल हैं, कुर्सियों में प्रॉफिट इतना है, मेज में प्रॉफिट इतना है, तो बताओ कितनी कुर्सियां और मेजें बनाए जिससे आज भी मैक्सिमम यूटिलाइज हो और प्रॉफिट भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो फिर आप इसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, आप मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
यूज करते हैं या लीनियर प्रोग्रामिंग में शेडेड एरिया यूज करके आप आइडिया लगाते हैं कि कहां सबसे बेस्ट आउटपुट होगा। देन आप मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे होते हैं, आप चीजों को मैथमेटिकल सिंबल्स नोटेशंस और कोड्स में डिवाइड कर लेते हैं, उन कोड्स के मुताबिक चीजों को तेजी से लेकर चल रहे होते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में आपने नंबर से चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया होता है, कमरों को रूम नंबर दे दिए होते हैं, मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ कोड्स दे दिए होते हैं, मुख्तलिफ चीजों को मतलब वर्किंग में मुख्तलिफ फिगर्स के साथ रिलेट करके आप चीज़ों की मॉडलिंग ज़रा बेहतर कर लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जब फौजी जा रहे होते हैं तो उन्होंने एक क्लॉक के डिजिट्स के हिसाब से अपनी डायरेक्शन आइडेंटिफाई की होती है कि 3 o'clock का मतलब है राइट मोस्ट साइड पे जाना है, 5 o'clock का मतलब है इस तरफ फायर करना है, अगर 11 o'clock की बात की जाएगी तो वो किस तरफ। तो आप अपनी सारी डायरेक्शन को मैथमेटिकली अरेंज कर लेते हैं। ये जितनी भी ऑपरेशनल रिसर्च है इससे आप बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच डील कर रहे होते हैं। आप एक किसी भी प्रॉब्लम का पोटेंशियल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, उन सारे सोल्यूशन में देखते हैं सबसे ज्यादा वाइबल, सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा बेहतर सोल्यूशन कौन सा है, उस सोल्यूशन पे इंप्लीमेंट करते हैं, उस सोल्यूशन के मुताबिक चीजों को देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आपको नतीजे अच्छे मिले या नहीं मिले, और अगर नहीं मिले तो आप इस अप्रोच को रिवाइज करते हैं और आप चीजों को दोबारा से अरेंज करते हैं। और मैंने आप लोगों को अच्छा खासा बोर्ड कर ही दिया था, चीजों से भरपूर चैप्टर, अच्छा खासा चैप्टर था आपकी फेवरेट, ये क्लासिकल मॉडर्न सीरीज का मैंने आपको पहले ही डिस्कस बता दिया था। तो आपकी फेवरेट लाइन आपने मान ली थी।